इट इज़ अ वेरी सिंपल लॉ जो कि कहता है कि एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम एनर्जी को बना सकते हैं और ना ही हम एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं एनर्जी सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है मतलब बदल जाती है लेकिन उसका जो अमाउंट है जो उसकी क्वान्टिटी है वो सेम टू सेम रहती है ये कहता है सिंपली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन का मीनिंग ही होता है बेटा कि जो क्वांटिटी है वो कांस्टेंट रहेगी एनर्जी की ठीक है एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहेगी थ्रू आउट एनी प्रोसेस सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्वेश्चन में स्टेट करना होगा सो वी विल राइट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट दैट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट्स दैट फिर उसके बाद बेटा देखिए आंसर को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स होती हैं कि जब भी हम कोई लॉ स्टेट कर रहे हैं सो वी राइट दिस कोलन एंड देन जो लॉ है हमारा उसे हम लोग इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखें ओके okay? सो so, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर फ्रॉम द नेक्स्ट लाइन हम लोग लिखेंगे अपना लॉ दैट क्या कहता है ये लॉ एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नो बी डिस्ट्रॉयड लॉ कंप्लीट करने के बाद इन्वर्टेड कॉमर्स को भी क्लोज कर दिए और अब इसी का थोड़ा सा आगे एक्सप्लेनेशन है एक लाइन में कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड ना बी डिस्ट्रॉयड देन इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म सो so क्वेश्चन का पार्ट वन हमने सॉल्व कर दिया है स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ़ एनर्जी सो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी था हमारा बहुत ही सिंपल सा लॉ था ना कि एनर्जी को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम एनर्जी को बना सकते हैं और ना ही हम उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं नेक्स्ट पार्ट में हमें प्रूव करना है कोई भी एक एग्जाम्पल ले, ले लेंगे हम और उस एग्जाम्पल की हेल्प से हम अपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को प्रूव कर देंगे तो so प्रूव करने के लिए वॉट वी विल राइट डेरीवेशन इस लॉ को अब हम डिराइव कर रहे हैं या फिर इस लॉ को हम प्रूव कर रहे हैं तो आप डेरिवेशन भी लिख सकते हैं और प्रूफ भी लिख सकते हैं डेरिवेशन इज मोस्ट मोर सूटेबल सो डेरिवेशन के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल कंसिडर करने जा रहे हैं जो कि एन बुक में गिवन है सो so, एग्ज़ाम्पल में हम लोग क्या लेंगे बेटा वी विल टेक एन ऑब्जेक्ट हम लोग एक ऑब्जेक्ट की बात करेंगे ये ऑब्जेक्ट है और ये सपोज पॉइंट ए पर रखा हुआ है ग्राउंड से ये हमारा ग्राउंड लेवल है ग्राउंड से एच हाइट पर ये ऑब्जेक्ट रखा है अगर हम ग्राउंड लेवल पे एक पॉइंट सी ले लें तो हम क्या कह सकते हैं कि ये ए सी जो डिस्टेंस है ये कितना है एच है तो हम एक ऑब्जेक्ट लेंगे बेटा जो कि पहले ग्राउंड से एच हाइट पर होगा फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक बॉल को कंसिडर कर रहे हैं तो एक बॉल अगर हमने यहाँ एच हाइट पे पकड़ी हुई है फिर उसके बाद हम लोग उस बॉल को छोड़ देंगे तो क्या होगा वो बॉल ग्राउंड की तरफ गिर जाएगी ठीक है तो ये पूरा हमारा मोशन है पॉइंट ए से लेकर पॉइंट सी तक ही इस मोशन में हम बीच में एक पॉइंट लेंगे पॉइंट बी इस पॉइंट पे भी हम अपनी एनर्जी निकालेंगे पॉइंट ए पे भी एनर्जी निकालेंगे और पॉइंट सी पे भी एनर्जी निकालेंगे और हम दिखा देंगे कि हर पॉइंट पर एनर्जी जो है वो सेम आ रही है ठीक है हर पॉइंट पर इस ऑब्जेक्ट की जो एनर्जी है वो सेम आ रही है तो हमारा लॉ प्रूफ हो गया ना कि एनर्जी ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं उसकी जो क्वान्टिटी है वो सेम टू सेम आएगी इन तीनों पॉइंट्स पर सो लेट्स स्टार्ट सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे इस ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ बताएंगे ना सो कंसिडर एन ऑब्जेक्ट कंसिडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास ऑब्जेक्ट लिया हमने अब इसका मास भी हमें बताना पड़ेगा कि ऑफ मास एम प्लेस्ड एट हाइट प्लेस्ड एट हाइट एच फ्रॉम द ग्राउंड एट पॉइंट ए है ना यही है हमारा पूरा डिस्क्रिप्शन की एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास हमने ले लिया एम और ये ऑब्जेक्ट ग्राउंड से एच हाइट पर रखा हुआ है किस पॉइंट पे रखा हुआ है पॉइंट ए पे रखा हुआ है ठीक है यह हमने डिस्क्राइब कर दिया अपने ऑब्जेक्ट के बारे में नाउ नेक्स्ट अब हम लोग क्या बताने जा रहे हैं कि इस ऑब्जेक्ट की जो एनर्जी है जो टोटल एनर्जी है वो हर पॉइंट पर सेम आने वाली है तो सबसे पहले तो आपको टोटल एनर्जी के बारे में पता होना चाहिए बेटा कि एक ऑब्जेक्ट की जो टोटल एनर्जी होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं कौन देखिए एनर्जी के तो बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं लाइट एनर्जी हीट एनर्जी वगैरह वगैरह बट यहाँ पर हम लोग मैकेनिकल एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी उस एनर्जी को कहते हैं जो कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर होती है ड्यूरिंग मोशन ठीक है और हम इस ऑब्जेक्ट का मोशन ही करवाने वाले हैं ना? पॉइंट ए पे है फिर हम यहाँ से इसे छोड़ देंगे और फिर ये नीचे मूव होता हुआ जाएगा पॉइंट सी तक ही तो ये पूरा इसका मोशन है पॉइंट ए से लेकर पॉइंट सी तक और इस टाइम पे इसके अंदर जो एनर्जी है तो उस एनर्जी को क्या कहते हैं हम लोग बेटा मैकेनिकल एनर्जी या फिर इसे हम लोग टोटल एनर्जी भी कहते हैं इस बात को याद रखिएगा बेटा कि मैकेनिकल हम जब भी ऑब्जेक्ट के मोशन की बात कर रहे हैं मूवमेंट की बात कर रहे हैं तो जो टोटल एनर्जी होती है उस एनर्जी को क्या कहते हैं हम मैकेनिकल एनर्जी तो मैकेनिकल एनर्जी किसके इक्वल होती है बेटा मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट ये फॉर्मूला आपको लिखना पड़ेगा पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी ये मैकेनिकल एनर्जी का फॉर्म होता है ठीक है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी को हम टोटल एनर्जी भी कह सकते हैं जो कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम होती है सो so, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉइंट ए से सो पॉइंट ए पर हम टोटल एनर्जी निकालेंगे है ना टोटल एनर्जी के लिए पोटेंशियल एनर्जी निकालनी पड़ेगी और एनर्जी निकालनी पड़ेगी चलिए एट पॉइंट ए अब पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मुलाज पता होने चाहिए ना पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करेंगे पॉइंट ए पर सो so, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है एम इंटू जी इंटू एच यही होता है ना फॉर्मूला मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी इंटू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ग्राउंड तो मास इस ऑब्जेक्ट का स्मॉल एम हमने लिया था और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो स्मॉल जी होता ही है और एच हम लोगों को यहाँ पे हाइट लिखनी होती है तो देखिए ये ऑब्जेक्ट जो है ये ग्राउंड से कितनी हाइट पर हमने ले रखा है एच हाइट पर ले रखा है तो इस ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी तो हमने फाइंड कर ली बहुत इजीली अब कानेटिक एनर्जी कैसे फाइन करेंगे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा हाफ एम वी ये होता है ना फॉर्मूला एम होता है मास और वी होता है उस ऑब्जेक्ट की स्पीड अब बताइए ज़रा ये ऑब्जेक्ट अभी हमने पॉइंट ए पर रखा हुआ है ना दिस ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड अभी ये रखा हुआ है तो क्या ये ऑब्जेक्ट अभी मूव कर रहा है ये ऑब्जेक्ट तो मूव ही नहीं कर रहा है ना यहाँ पे अभी हम इसे पकड़े हुए हैं इसे अभी हम लोगों ने यहाँ पर रखा हुआ है पॉइंट ए पर तो मूव नहीं कर रहा है मतलब इसकी अभी कोई स्पीड नहीं है तो पॉइंट ए पर ये रेस्ट पर रखा हुआ है सो तो इसकी स्पीड ज़ीरो है सो काइनेटिक एनर्जी में एम की जगह पे तो एम पुट कर दिया लेकिन बी बी मीन्स स्पीड या वेलोसिटी ये कितनी हो जाएगी जीरो है पॉइंट ए पर तो काइनेटिक एनर्जी पॉइंट ए पे कितनी आ गई बेटा ज़ीरो आ गई तो अब टोटल एनर्जी हमने काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों निकाल लिया तो टोटल एनर्जी मतलब कि मैकेनिकल एनर्जी क्या हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी है ना यहाँ पे ये टोटल एनर्जी एट ए की बात कर रहे हैं हम लोग एट ए तो टोटल एनर्जी एट ए किसके इक्वल हो गई उस ए पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी जो था प्लस काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी है एम जी एच और काइनेटिक एनर्जी है जीरो तो हमारी टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए इसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख रहे हैं ठीक है टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए कितनी आ गई एम जी एच अब देखिए ए पॉइंट पे हमने एनर्जी निकाली है एम जी एच अब हम B पॉइंट पे बात करेंगे B पॉइंट पे टोटल एनर्जी कितनी होगी चलिए आगे बढ़ते हैं इनिशियल पॉइंट हमारा क्या है बेटा इनिशियल पॉइंट मतलब स्टार्टिंग पॉइंट है पॉइंट ए तो इनिशियल पॉइंट जो है हमारा वो पॉइंट ए है अब क्या बात कर रहे हैं हम लोग अब हमने ऑब्जेक्ट को ए पॉइंट से छोड़ दिया है और ये ऑब्जेक्ट मूव होता होता बी पॉइंट पर पहुंच गया है अब बी पॉइंट और ए पॉइंट के बीच का जो गैप है वो हम लोग अगर कितना ले लें एक्स ले लें एक्स ठीक है ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना है एक्स तो हमने अब ए पॉइंट से अपने ऑब्जेक्ट को छोड़ा और ये बी पॉइंट पे पहुंच चुका है अब हमें इस ऑब्जेक्ट की टोटल एनर्जी फाइंड करनी है एट पॉइंट बी इनिशियल पॉइंट हमारा ए ही है अब हमारा ऑब्जेक्ट फाइनल पॉइंट कहाँ पे पहुंच गया है फाइनल पॉइंट हमारा क्या हो गया है बी हो गया है सो क्विकली पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करते हैं पहले यहाँ पे पुट कर दिए एट पॉइंट बी एट पॉइंट बी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट मतलब m इंटू जी इंटू एच मतलब हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ग्राउंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ग्राउंड तो देखिए बी पॉइंट पर इस ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है ग्राउंड से बी पॉइंट पर ये ऑब्जेक्ट कितना दूर है ग्राउंड से देखिए टोटल h था इतना हमारा x हो गया तो इतना डिस्टेंस क्या बचा H माइनस एक्स एच माइनस एक्स है ना इतना ही तो बचा ना ये पूरा H है माइनस एक्स हमें ये मिल गया तो B पॉइंट पर इस ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है ग्राउंड से H माइनस एक्स ये डिस्टेंस कितना है H माइनस एक्स एच माइनस एक्स सो ये आ गई हमारी पोटेंशियल एनर्जी एम जी इंटू एच माइनस एक्स इसे थोड़ा एक्सपैंड करके लिख लिए एम जी एच माइनस एम जी एक्स ये फाइंड कर ली ना हमने पोटेंशियल एनर्जी अब बी पॉइंट पे हमें फाइंड करनी है काइनेटिक एनर्जी अब काइनेटिक एनर्जी में क्या होता है हाफ एम वी स्क्वायर V क्या होती है B पॉइंट पे स्पीड अब B पॉइंट पे हम इस ऑब्जेक्ट की स्पीड कैसे फाइंड करें बताइए B पॉइंट पे इस ऑब्जेक्ट की स्पीड पहले तो हमें पता करनी पड़ेगी कि A पॉइंट पे तो स्पीड कितनी थी इनिशियल स्पीड थी हमारी ज़ीरो अब A से B तक मूव होता हुआ आया है तो B पे अभी ये मूव मूविंग मोशन में है ना तो B पॉइंट पे जो इसकी फाइनल स्पीड है V वो हमें फ़ाइन करनी पड़ेगी सो so, वो फाइन करेंगे हम बेटा न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि है इसे हम लोग काइनेमैटिक इक्वेशन भी कहते हैं सो यूजिंग काइनेमैटिक इक्वेशन या आपने लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में पढ़ा होगा थ्री इक्वेशंस जो थी उन्हीं में से एक इक्वेशन हम लोग यूज करने जा रहे हैं यूजिंग काइनेमैटिक इक्वेशन वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एस ये आपने बेटा इक्वेशन पढ़ी होगी टू जी एस या फिर टू ए एस यहाँ पर पढ़ा होगा है ना वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायेर प्लस टू ए एस अब यहाँ पे देखिए हमारा एक्सेलरेशन कितना है बेटा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चल रहा है जो कि स्मॉल जी है और एस क्या होता है बेटा एस होता है डिसप्लेसमेंट है ना इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट है तो इसको अच्छे से मैं आपको देखिए एक्सप्लेन करती हूँ यहाँ पे हम फाइनल स्पीड लिखते हैं तो फाइनल स्पीड मतलब फाइनल पॉइंट पे जो स्पीड है बी पॉइंट पे जो स्पीड है वो हम वी लेके चल रहे हैं जिसे हमें फाइंड करना है ठीक है अब इनिश यू पे यहाँ पे क्या होता है इनिशियल स्पीड मतलब इनिशियल पॉइंट पे जो स्पीड थी जहाँ से हम लोगों ने शुरू करा था तो इनिशियल पॉइंट पे हमारी स्पीड थी यू और वो वैसे भी कितनी है जीरो है अभी हम लोग नेक्स्ट स्टेप में उसे जीरो पुट कर देंगे यू इज इक्वल टू ज़ीरो और यहाँ पे टू इंटू एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और यहाँ पे क्या होगा डिस्प्लेसमेंट मतलब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है कितना हमने मोशन करा है तो कितना हम लोग मूव हुए हैं एक्स है ना एक्स डिस्टेंस मूव करा है ए से लेकर बी के बीच में तो नेक्स्ट स्टेप में वैल्यूज पुट करते हैं बी तो हमारी फाइनल स्पीड है यू हमारी इनिशियल स्पीड जो कि जीरो है क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट पहले रेस्ट पे था इनिशियली प्लस टू इंटू जी इंटू एस एस क्या है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में जो डिस दिस्ट, जो डिस्प्लेसमेंट है हमारा जो कि यहाँ पे हम लोगों ने ले रखा है x सो तो वी स्क्वायर हमारा कितना आ गया बेटा टू जी एक्स और इस तरह से हमने अपनी फाइनल जो वेलोसिटी है फाइनल स्पीड है वो फाइंड कर ली है ये फाइंड क्यों करिए क्योंकि हमें काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है तो हम जल्दी से काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर लेते हैं हम पॉइंट बी पर काइनेटिक एनर्जी में वेलोसिटी आएगी हाफ एम वी स्क्वायर है ना बी पॉइंट पर फाइनल स्पीड जो है हमारी वो वी है सो हाफ इंटू एम वी स्क्वायर की वैल्यू अभी हमने निकाल दी है टू जी एक्स टू टू विल गेट कैंसल आउट और ये आ गई हमारी काइनेटिक एनर्जी एम जी एक्स ओके सो हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी भी बेटा फाइंड कर ली एम जी एक्स आई होप आपको ये एकदम अच्छे से क्लियरली समझ में आया होगा यहाँ से जहाँ से हम लोगों ने ये अपनी फाइनल स्पीड फाइंड करना स्टार्ट करा है ना ये काइनामेटिक इक्वेशन होती है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस यहाँ पे हमारा वी क्या होती है फाइनल स्पीड यू क्या होती है इनिशियल स्पीड ए होता है एक्सेलरेशन और एस होता है फाइनल और इनिशियल पॉइंट के बीच का डिस्प्लेसमेंट बीच का जो हमारा गैप है सो so, हम लोगों ने सिंपली वो वैल्यूज पुट कर दी हैं क्योंकि बी पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं तो बी पॉइंट हमारा फाइनल पॉइंट है इनिशियल पॉइंट है पॉइंट ए इनिशियल स्पीड u जो कि ज़ीरो है और b पॉइंट पे जो हमारी स्पीड है ऑब्जेक्ट की वो हम लोगों ने क्या ली है बेटा v तो यहाँ पे हमने फाइनल स्पीड पुट कर दी फाइनल स्पीड हम लोगों ने क्या ले रखी है v तो v का स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ए g एंड s कितना है x अच्छे से समझ में आया होगा अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं सो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी हमने फाइंड कर ली है अब क्या फाइंड कर रहे हैं हम लोग देखिए टोटल एनर्जी फाइंड करना है तो चलिए अब टोटल एनर्जी निकालते हैं पॉइंट बी पर प्रूव कर रहे हैं हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी की अब हम बात कर रहे हैं तो लॉ के अकॉर्डिंग टोटल एनर्जी जो है हमारी वो कंजर्व्ड रहनी चाहिए मतलब वो कांस्टेंट होनी चाहिए है ना हर पॉइंट पे वो सेम आनी चाहिए तो चलिए चेक करते हैं हम पॉइंट बी पे टोटल एनर्जी जो है हमारी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी हमने फाइन करी थी पॉइंट बी पर जो कि आई थी एम जी एच माइनस एम जी एक्स प्लस काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी हमने फाइंड कर ली है बेटा एम जी एक्स नाव अब हमारा माइनस एम जी एक्स प्लस एम जी एक्स देखिए कैंसिल हो जाएगा और टोटल एनर्जी हमने कितनी फाइंड कर ली एम जी एच फाइन कर ली अगेन वॉट अ मेरा देखिए पहले भी हमारी पॉइंट ए पे टोटल एनर्जी आई थी एम जी एच और अब पॉइंट बी पर भी हमारी टोटल एनर्जी कितनी आ गई एम जी एच टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी इज़ ऑल्सो अगेन एम जी एच सो अब पॉइंट सी पर मतलब जो हमारा अब ग्राउंड लेवल है जब हमारी जो ऑब्जेक्ट है ए से मूव करके बी तक और अब बी से मूव करके सी तक सी पे जब पहुंच जाएगा तो चलिए सी पे भी अब हम लोग इन्हें टोटल एनर्जी निकाल के दिखा देते हैं ठीक है सी पे भी हमारी टोटल एनर्जी क्या आने वाली है एम जी एच ही आएगी और इस तरह से हमारा जो लॉ है वो प्रूफ हो जाएगा सो so, अब हम लोग पॉइंट सी पर टोटल एनर्जी फाइंड करने जा रहे हैं उसके लिए हमें पॉइंट सी पे पहले पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी होगी और काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी होगी एट पॉइंट सी पोटेंशियल एनर्जी सबसे पहले फाइंड करते हैं पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी कितनी हो जाएगी मास इन टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी इन टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ग्राउंड ये ये होती है ना यहाँ पे हाइट जो हम लोग पुट करते हैं अब बताइए सी पे हमारा ऑब्जेक्ट आ चुका है मतलब ग्राउंड पे ही ऑब्जेक्ट आ चुका है तो क्या इसके और ग्राउंड के बीच में अब कोई गैप बचा है नो no. सो so, इस पॉइंट पे इस ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है पॉइंट सी पर ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी हो चुकी है ज़ीरो हो चुकी है सो so, पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई पॉइंट सी पर ज़ीरो हो गई अब देखिए अब हमें काइनेटिक एनर्जी फाइन करनी है एट पॉइंट सी तो अब फिर से हमें वही वर्क करना होगा ना अब पॉइंट सी पे क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में हाफ एम वी स्क्वायर वी आता है मतलब फाइनल स्पीड आती है पॉइंट सी पे ऑब्जेक्ट की कितनी स्पीड होगी हमें नहीं पता ना सो so अगेन हम लोग क्या यूज़ करेंगे कैनमेटिक इक्वेशन यूज़ करने जा रहे हैं अब भी देखिए हमारा इनिशियल पॉइंट क्या है बेटा इनिशियल पॉइंट तो पॉइंट ए ही है अब हमारा ऑब्जेक्ट फाइनली कहाँ पे पहुँच चुका है अब हमारा ऑब्जेक्ट सी पे पहुँच चुका है तो अब सी पे हमें स्पीड फाइन करनी है तो सपोज सी पे जो हमारी स्पीड है वो कितनी है वी डैश है C पे स्पीड कितनी अब हम लोग लेके चल रहे हैं V डैश तो इनिशियल पॉइंट है A और फाइनल पॉइंट है C देखिए अगर आप इनिशियल और फाइनल पॉइंट याद रखेंगे तो आपका जो पूरा प्रूविंग है बहुत ही ईजीली हो जाएगी अब हम अब भी पहले हमारा इनिशियल पॉइंट पॉइंट A था और फाइनल पॉइंट क्या था B था फिर हम लोगों ने फाइंड कर लिया अब हमारा इनिशियल पॉइंट पॉइंट ए है अभी भी इनिशियल पॉइंट यही रहेगा ये याद रखिएगा इनिशियल पॉइंट हमेशा आप पॉइंट ए ही लेंगे और अब फाइनल पॉइंट क्या हो चुका है सी हो चुका है ठीक है सो अगेन यूजिंग काइनामेटिक इक्वेशन सो काइनेमैटिक इक्वेशन को यूज करते हुए जो कि कहती है वी स्क्वायर मतलब फाइनल स्पीड का स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल स्पीड का स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्सेलरेशन इन जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में तो अब या ये याद रखिए इनिशियल पॉइंट है हमारा पॉइंट ए फाइनल पॉइंट है पॉइंट सी इनिशियल पॉइंट पे जो हमारी इनिशियल स्पीड है वो कितनी है यू जो कि ज़ीरो है और फाइनल पॉइंट सी पे अब हमारी जो स्पीड है वो हमने कितनी ले रखी है फाइनल स्पीड वी डैश ले रखी है सो फाइनल स्पीड की जगह पे पुट करने जा रहे हैं वी डैश का स्क्वायर ठीक है वी डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल स्पीड की जगह पे अभी हम लोग यू ही पुट कर देते हैं नेक्स्ट स्टेप में इसे ज़ीरो कर देंगे प्लस टू इंटू एक्सेलेशन यहाँ पे हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चल रहा है हमारा ऑब्जेक्ट का क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो किसके अंडर है फ्री फॉल में है मतलब ऑब्जेक्ट ए से फ्री फॉल हो रहा है ए से ग्राउंड की तरफ गिर रहा है सो so, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट का acceleration कितना चल रहा है बेटा जी चल रहा है acceleration ड्यू टू ग्रेविटी और अब एस एस क्या होता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्प्लेसमेंट तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट ए और सी के बीच का कितना डिस्प्लेसमेंट है एच है है ना ए सी कितना है एच है देखिए अगर आप हमारे अपनी इक्वेशन के टर्म्स को अच्छे से आइडेंटिफाई कर लें तो आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा एकदम करेक्टली आप सॉल्व कर पाएंगे ऐस क्या होता है लर्न कर लिए बेटा इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का गैप इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल पॉइंट को याद रखिए और सिंपली अपनी वैल्यूज़ को पुट कर दिए सो वी डैश स्क्वायर इज़ इक्वल टू यू इज ज़ीरो प्लस टू इंटू जी एच एच समझ आया कैसे आया ना इनिशियल और फाइनल पॉइंट अब हमारे ए और सी हैं तो ए और सी के बीच में कितना गैप चल रहा है एच गैप है जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में लिया था सो so, अब हमारा जो वी डैच स्क्वायर है वो कितना आ गया है बेटा टू जी एच सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर वी हम लोगों ने यहाँ पे अभी क्या ले रखा है फाइनल स्पीड जो अब हमारी पॉइंट सी पर है वो कितनी है वी डैश है सो वी डैश C पॉइंट पे बात कर रहे हैं ना पॉइंट C पे जो हमारी स्पीड है वो कितनी है वी डैश है सो पुट द वैल्यूज हाफ इंटू एम इंटू वी डैश स्क्वायर की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है टू जी एच टू टू विल गेट कैंसल्ड आउट और हमें फाइंड हो गया काइनेटिक एनर्जी एम जी एच आ गई ओके काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई है एम जी एच आ गई है नाउ टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी सो टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी इज़ इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी पुट द वैल्यूज पोटेंशियल एनर्जी हमने फाइन कर ली थी जीरो आई थी और काइनेटिक एनर्जी हमने फाइन करी है भी जो कि आई है एम जी एच अगेन टोटल एनर्जी जो है हमारी पॉइंट सी पर भी कितनी आ गई एम जी एच आ गई सो so, हम लोगों ने शो कर दिया प्रूव कर दिया कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो ट्रू है एनर्जी हर पॉइंट पर हमारे अपने मोशन में ऑब्जेक्ट जो मूव हुआ पॉइंट ए से बी तक फिर बी से सी तक तो टोटल प्रोसेस में टोटल मोशन में जो उसकी एनर्जी है टोटल एनर्जी वो कांस्टेंट है है ना कंजर्व्ड है सो व्हाट वी विल राइट एट द एंड देयरफॉर फोर टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी इज़ इक्वल टू एम जी एच ये हम लोगों ने प्रूव कर दिया है मेनली हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है ये शो करना कि इसकी वैल्यू जो भी आ रही है वो तो हमने सॉल्व करने करने में दिखाई दिया है बट मेनली जो हमारा कॉन्सेप्ट था कि एनर्जी हर पॉइंट पे सेम आनी चाहिए हैंस द टोटल एनर्जी दैट इज मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कंजर्वड थ्रू आउट इट्स मोशन एंड लाइक दिस हमारा जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है ये पूरा प्रूव हो गया है आई होप आपको इसका एक एक स्टेप एकदम क्लियरली समझ में आया होगा किसी भी स्टेप में अगर कोई डाउट है सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड अगर आपको और भी कोई डाउट्स हैं इन क्लास नाइन्थ साइंस एंड मैथ्स और इन क्लास टेंथ साइंस एंड मैथ्स सो वो भी मुझे ज़रूर बताइए इन द कमेंट सेक्शन आई विल ट्राई ट्राई टू सॉल्व देम एज सुन एज पॉसिबल टेक केयर हैव अ ब्राइट फ्यूचर